गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। अपने देखो, पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन चल रहा था, जिसमें हमने तीन इसके जो टॉपिक थे वो देख लिए थे, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। आज अपने हैं वो फोर्थ नंबर टॉपिक है, जिसका नाम है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन यानी पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार वाचक सर्वनाम। अधिकार वाचक सर्वनाम यानी किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार करवाने का जो बोध करवाते हैं ना, वो सब अधिकार का बोध करवाने वाले जो शब्द है वो आपके कहलाएंगे पजेसिव प्रोनाउन। लिखिए अधिकार का बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो किसी चीज पर किसी का भी अधिकार करवाने का बोध करवा देते। हमने प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन देखे थे, सात प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, सी, दैट, इट। उसी प्रकार से उन्हीं का जो है अधिकार है वो किसी चीजों पर हम दर्शाएंगे, तो किस तरीके से दर्शाएंगे उसके बारे में देखेंगे। देखो, नॉमिनेटिव केस थे वो, नॉमिनेटिव केस यानी ये होता है कर्ता का है, ठीक है। इधर देखना आपको पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। अब देखो, इसमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? ये पी का मतलब पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, ठीक है। आई, चलो इनको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, इंग्लिश में ठीक नहीं है। हाँ, देखो फर्स्ट में आई ये और वी, ठीक है, ये। सेकंड में ये आपका सेकंड पर्सन, जिसमें एक ही है, यू, और थर्ड पर्सन में था आपका ही, सी, और दे, और इट, ठीक है। इस प्रकार से ये अपनी चार प्रोनाउन है वो चल रहे थे। ये थोड़ा कट रहा है, चलो हम इसको ऊपर लिख लेते, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। यहां तक ये देर तक तो आ रहा है आराम से वीडियो के अंतर्गत, चलो कोई बात नहीं। देखो आई है, वो आई का बन जाएगा अपना पजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा माई, ठीक है। वी का बन जाएगा ours, यू का बन जाएगा yours, ही का, यहां पे ही का लिख रहा हूं, his, she का, hers, they का, their, और ये it का यहां लिख रहा हूं, its, ठीक है। ये हो गए इसके पजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन आई, वी का, माई, और सेकंड पर्सन यू का, योर्स, थर्ड पर्सन ही, सी, देयर, इट का, हिज, हर्स, देयर और इट्स, ठीक है। अब चलो इनका हम प्रयोग देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे यह पेन ये मार्कर मेरा है, दिस पेन या मार्कर इज माय। देखो इस पेन पे अधिकार किसका है? माइन, मेरा। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि माइन जो है वो आई का है,
आई का मतलब मैं होता हूं, इसका मतलब इस पेन पे अधिकार, ये माइन अधिकार वाचक शब्द नाम आया है, इसका मतलब इस पेन पे अधिकार है वो मेरा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, दैट कार इज योर्स, वह कार आपकी है, यानी उस कार पे अधिकार आपका है, तो ये आपका हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन योर। आगे देख लीजिए, जैसे मान लो किसी का घर है, दिस हाउस इज दैस, टी ए आई दैस, दिस हाउस इज दैस, यानी ये घर है, ये जो घर है वो उनका है, कोई लोग है ज्यादा उसमें जो निवास करते हैं तो उनका अधिकार है उस घर पे, ठीक है। इस प्रकार से होता है आपका पजेसिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से मान लो किसी लड़की की कोई चीजें हैं तो वहां पे जैसे मान लो ये दिस पेन इज माइन, मेरा है, किसी लड़की का होता तो हम बना देते इसको दिस पेन इज हर्स, दिस पेन इज हर्स, ठीक है। या हमारा होता जैसे तो हम जैसे बता देते भाई ours, ठीक है। इस प्रकार से आपके प्रोनाउन है, जितने भी सेवन प्रोनाउन है, यू योर्स है, theirs है, माइन है, हर्स है, ours है, या हिज है, मान लो इसमें दे देते हैं हिज, तो ये सारे इस प्रकार से आपके पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अब चलो आगे वाला देखते हैं, आगे वाला है अपना नंबर फाइव, डोमेस्टिटिव डेमोन्स्ट्रेटिव डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेत वाचक, संकेत वाचक सर्वनाम, संकेत वाचक सर्वनाम, यानी किसी व्यक्ति वस्तु की ओर, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कराने वाले शब्द, संकेत कराने वाले शब्द, ठीक है, वो ही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो ये कितने होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चलो दिस, दीज, दैट और दोज, ठीक है, दिस दैट और दोज। अब देखो इनका परी, ये दोनों तो है होते हैं नियर के लिए, यानी पास के, यानी किसी कोई पास में पड़ी वस्तु है उसकी ओर संकेत करवाने वाले हैं, वो तो होते हैं आपके दिस और दी, और दैट और दोज होते हैं वो होते हैं फार, यानी दूर के लिए, दूर के लिए, यानी कोई वस्तु दूर पड़ी हो या कोई भी है दूर होनी चाहिए उसके लिए दैट और दोज हमको उनकी ओर संकेत करते हैं। अब इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, जैसे पास में चीज है तो दिस का प्रयोग करें या दीज का करें, दूर पे कोई व्यक्ति या वस्तु है तो दैट का करें, दोज का करें, वो डिपेंड करता है इसके सिंगुलर या प्लूरल होने या नंबर के आधार पे, वो देखिए। चलो हम इनको देख लेते हैं एक साथ, लिखो दिस, दिस यानी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन पास में है, ठीक है, दीज यानी प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन ये भी पास में है, ठीक है। फिर देखते हैं दैट, दैट ये सिंगुलर का है, सिंगुलर नाउन ये होगा दूर के, दूर, और फिर आएगा आपका दोज, ये होगा प्लूरल नाउन, ये हो गया दूर, ठीक है।
यानी दिस होगा वो पास में एक वस्तु है उसके लिए, और पास में खूब सारी वस्तुएं हैं उसके लिए होगा दी। दैट होगा दूर पे कोई एक वस्तु है उसके लिए, और दोज होगा दूर पे कोई खूब सारी वस्तुएं उनके लिए, यानी सिंगुलर एकवचन, प्लूरल बहुवचन। ठीक है, अब इनका वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं दिस दैट दीज दोज। देखो जैसे मैंने लिखा दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, यह है तो ये पेन मेरे पास है, क्या है तो ये पेन पर पेन है वो तो मेरा है, लेकिन ये पेन की स्थिति कहां पे, यानी पेन पास है दूर है, पेन है कहां पे, ये बात हमको कौन बता रहा है, क्यों दिस इज माय पेन, इसका मतलब हमने पीछे देखा भाई ये पास के लिए लेते हैं सिंगुलर के लिए लेते हैं, इसका मतलब जो पेन है वो मेरे पास है। ठीक है, दूसरा देखिए दिस इज माई कर दो या किसी का भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, दिस इज हर बैग, यह बैग उसका है, यह बैग उसका है, तो वो कहा है उसकी स्पेसिफिक हमें मतलब नहीं है, लेकिन बैग का है वो हमारे पास में, यानी जो कहने वाला है भाई दिस इज हर बैग, ये बैग उसका है, कहने वाले के पास में ये बैग है। ठीक है, दीज का देखिए, दीज दीज का लिखेंगे जैसे दीज आर बुक्स, ये पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये दी पुस्तकें तो है, चलो ठीक है कहीं भी हो सकती है दूर पास, लेकिन पुस्तकों की स्थिति इस सेंटेंस में कहां पे, पास में, क्योंकि ये दीज बता रहा है और दीज पुस्तकें ज्यादा है इसलिए प्लूरल के लिए दीज है। एक और देखिए दीज आर स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी, इसका मतलब विद्यार्थी है कहां पे, कहने वाले के पास में, जैसे कोई टीचर है या अपने स्कूल का प्रधानाचार्य कोई भी हो, लेकिन वो बोल रहा है भाई दीज आर स्टूडेंट्स कि ये विद्यार्थी है। हाँ दे आर स्टूडेंट्स भी होता है भाई, जैसे दे आर जैसे वे विद्यार्थी है तो वहां पे वो भी दूर के लिए करवाते हैं, लेकिन हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव में ये दीज है पास या दूर के लिए, वो दोज लेते हैं, दे भी लेते हैं, लेकिन ये ठीक रहेगा पास के लिए, दे दूर मान लो होते तो वहां कई बार हम ले लेते हैं भाई दोज। ठीक है, इस प्रकार से ये संकेत करवाते हैं दीज आर स्टूडेंट्स, यानी ये विद्यार्थी है। वैसे ज्यादातर ये स्टूडेंट्स आदि के लिए लेकर के, यानी थिंग्स के लिए लेना तो ज्यादा बेटर रहता है, और वो दैट दोज वाला है वो भी थिंग्स के लिए ज्यादा बेटर था, कई बार स्थिति पे डिपेंड करता है, तो हम वहां पे मतलब पुरुषों के लिए भी ये जो अपने जो होते हैं पुरुष वाचक नाम उनमें भी कई बार पुरुषों के लिए इनका प्रयोग कर देते हैं, कोई लेडीज हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, कई बार जानवरों के लिए भी दिस दैट का प्रयोग, लेकिन ज्यादातर ये दिस दैट का प्रयोग है वो थिंग्स के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए दैट और दोज, देखो That is my bag, कहीं दूर बैग पड़ा है और दूर से वो जिसका मालिक है वो बोल रहा है कि that is my bag, कि वह बैग मेरा है, वह बैग मेरा है, अब वो बैग की स्थिति कहां पे, दूर है, ये that बता रहा है। ठीक है, that is his car, यह कार उसकी है, कार दूर है, ये दैट बता रहा है। दोज आर माई बुक्स, वे जो पुस्तकें हैं वो मेरी है, पुस्तकें दूर है, दोज बता रहा है, दोज है प्लूरल है इसलिए। दोज आर योर पेन, वो पेन पड़े हैं दूर, दोज बता रहा है ज्यादा है, वो पेन है वो आपके। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता है दैट दोज और वो दीज, दिस और दीज। ठीक है, अब देखो इसको याद रखने का दो तरीका है, याद रखने का देखो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है,
दिस दीज दैट और दोज। देखो कौन सा सिंगुलर के लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा, ये दिक्कत रहती है आपको, याद रखना है। ये वाले तो होंगे पास के लिए, ठीक है, और ये वाले हैं दूर के लिए। रही बात सिंगुलर प्लूरल की, जो सीधी सी बात है, वन टू थ्री फोर, इनके अल्फाबेट लिखो, इनमें फोर है और इनमें फाइव है, सीधी सी बात है। कम वाले हैं इसका मतलब वो सिंगुलर के लिए होगा, ज्यादा वाले हैं इसका मतलब वो प्लूरल नाम के लिए काम में लिया जाएगा, ठीक है। आगे सुनो, वर्ड की जो फोर है सिंगुलर का, फाइव है प्लूरल का, ठीक है। अब आगे वाला देखते हो, इस पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया आपका कंप्लीट। अब देखेंगे हम नंबर सिक्स, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये है अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब जानते हो आप सभी, प्रश्नवाचक होता है, प्रश्न वाचक शब्द, यानी जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधी सी बात है, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वही आपके ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, कौन कौन से देखो, हु व्हाट व्हिच, ठीक है। अब देखो प्रयोग दे देते हैं, हु रोट द रामायण, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन तो लगेगा ही, हु रोट द रामायण, देखो इसका मतलब होता है कौन, यानी रामायण है वो लिखने वाला कौन है, रामायण किसने लिखी, तो ये पूछा है तो है भाई रामायण किसने लिखी। दूसरा देखो, हु से इज दिस बुक, यह बुक किसकी है, ठीक है। दूसरा देखिए, हुम इज ही इनवाइटेड, हुम इज ही इनवाइटेड, यानी उसको निमंत्रण किसने दिया, तो यानी ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हु वाले ही हुसे ही बने हुए हैं इनका है। और फिर देखते हैं हम व्हाट का, ये नोट कर लेना अच्छे से, व्हाट क्या, यानी वस्तु के लिए, जो पहले हमने हु देखा था वो होता है व्यक्तियों के लिए, केवल व्यक्तियों के लिए ही काम में लिया जाता है वो, उसमें वो चलो पहले वो दिखा देता हूं, लिखो हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जो हमने अभी देखा था भाई रामायण किसने लिखी, उसको भी निमंत्रण किसने दिया, ये पेन किसका है, उन सब के लिए ये हु का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए व्हाट, व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए, नाम काम आदि के लिए, इन सब के लिए किया जाता है वर्ड का प्रयोग। जैसे किसी वस्तु के बारे में पूछते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यह है क्या है, नाम पूछते हैं हम, ये तो आप सभी जानते हैं, व्हाट इज योर नेम, आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
काम के बारे में पूछते, जैसे काम को कई बार पूछते व्हाट इज योर फादर, इसका मतलब ये नहीं होता भाई जैसे आपके पिताजी क्या है, यानी आपके पिताजी का काम धंधा क्या है, ऐसा पूछते हो। देखिए व्हाट इज योर फादर, ठीक है, व्हाट इज योर फादर, इस प्रकार से व्हाट का प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं विच का, ये नोट कर लेना। देखो विच कौन सा या कौन से, वैसे ये कौन सा अर्थ दोनों एक ही है, ये फीमेल के लिए होता है ये मेल के लिए होता है, तो चीज एक ही, कौन सा या कौन सी, ये व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए, व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए, दोनों के लिए, विच का प्रयोग है व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, और देखो प्रयोग देखिए इसका, देखते हैं विच इज योर बुक, आपकी बुक कौन सी है, कौन सी है ना, विच इज देयर हाउस, उनका घर कौन सा है ना, विच इज योर बैग, आपका बैग है वो कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार से विच का प्रयोग किया जाता है। तो देखो आज हमने पजेसिव प्रोनाउन देख लिया और डेमोन्स्ट्रेटिव देख लिया और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देख लिया। ठीक है, इस प्रकार से अपने तीन पहले हो गए थे, तीन ये हो गए, चार प्रोनाउन और बचे, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। और ये अपना होता है ये कंप्लीट, धन्यवाद।